हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेनिंग। लेकिन जो टॉपिक है मेरे पास, उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्यों ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्प्लॉय के लिए, किस कारण से जो है ट्रेनिंग इतना क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक एम्प्लॉय के लाइफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि क्या ट्रेनिंग होता है, किस लिए किया जाता है, कितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इम्पोर्टेंस क्या रखता है ट्रेनिंग, है ना। तो बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, ट्रेनिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कि आपकी स्किल सेट्स को इन्हेंस करता है, यानी कि बढ़ाता है, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, साथ में आप जो एम्प्लॉय की नॉलेज है उसको बढ़ाता है किसी पर्टिकुलर जॉब के प्रति। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो किसी जॉब के लिए जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कारण वही होता है ताकि उसका स्किल सेट बढ़ सके, उसकी कैपेबिलिटी और नॉलेज बढ़ सके वो जो जॉब करने जा रहा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय टेक्स प्लेस आफ्टर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो जब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग उसी जो ओरिएंटेशन होता है, जो जिसको हम ऑनबोर्डिंग भी बोलते हैं, ऑनबोर्डिंग के बाद या ओरिएंटेशन के बाद ही ट्रेनिंग शुरू की जाती है किसी भी एम्प्लॉय की। और अगर आप लोगों ने ऑनबोर्डिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है। और ट्रेनिंग प्रोसेस जो है एक एम्प्लॉय की थिंकिंग को मोल्ड करता है प्रॉपरली और उसको लीड करता है टुवर्ड्स क्वालिटी परफॉर्मेंस, ताकि वो एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए जिस जॉब के लिए वो जा रहा है उसके रिगार्डिंग। फिर ये एक प्रकार का कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, इट्स इन नेचर। ठीक है, जो कि ट्रेनिंग का मेन जो है क्रक्स होता है वो है कि ये हमेशा से ही कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस रहता है। क्योंकि देखिए, कभी भी आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो जब जॉब करने जा रहे हैं तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, देन उसके बाद आप उसके ऊपर काम करते हो, देन उसके बाद जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है फिर उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके ऊपर आप काम करते हो, फिर जैसे आपका प्रमोशन होने वाला होता है तो प्रमोशन जब होता है तो उसके बाद आपको फिर नई नई चीजों पे काम करना सीखना पड़ता है। तो इट्स अ नेवर एंडिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल द टाइम यू आर इन द कंपनी, सिंपल सी चीज। फिर अगला है, ट्रेनिंग इंप्रूव्स एफिशिएंसी। इससे क्या है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा कि पूरी तरह से अ वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय शोज बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो अगर कोई एम्प्लॉय एक बहुत ही अच्छा ट्रेन किया हुआ है, उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिली है, तो वो क्वांटिटी और क्वालिटी परफॉर्मेंस दोनों देता है। और इससे क्या होता है, इन सब चीजों से कंपनी की ग्रोथ बनती है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है। होप आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। तो न्यू कैंडिडेट हु ज्वाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन ट्रेनिंग। ये तो सबको पता है कि जब कोई भी नया कैंडिडेट ज्वाइन करता है या नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दी जाती है। दिस ट्रेनिंग फैमिलाइज देम विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, विजन, वैल्यूज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द वर्किंग कंडीशन। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है, नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है कंपनी के तरफ से स्टार्टिंग में, वो कंपनी के मिशन से, कंपनी के विजन से, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे फॉलो होते हैं और कंपनी के जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनके बारे में एक कैंडिडेट को फेमराइज करता है। तो इसलिए ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉय के लिए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंस ये रखता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर ट्रेन टू रिफ्रेश एंड इनहेंस देयर नॉलेज। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जब भी कोई नई चीज आती है तो जो है आप लोगों को सिखाया ही जाता है। ठीक है, तो जो वहां पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जो कि काफी समय से काम कर रहे हैं उनको ट्रेन किया जाता है, उनके नॉलेज को इनहेंस और रिफ्रेश किया जाता है रिलेटेड टू जो भी नई चीज आती है। फिर एनी अपडेशन एंड अमेंडमेंट टेक प्लेस इन द टेक्नोलॉजी। जैसे कंपनी में कोई नई टेक्नोलॉजी लाई जाती है या अमेंड किया जाता है किसी टेक्नोलॉजी में, तब भी ट्रेनिंग जो है दिया जाता है फॉर दोस टेक्नोलॉजीज टू एन एम्प्लॉय। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस के लिए अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो है कि परचेजिंग अ न्यू इक्विपमेंट चेंजेस इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूटर इम्प्लांटमेंट द एम्प्लॉय ट्रेन्ड अबाउट
यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स एंड वर्क मेथड्स। तो ये जो भी चीजें मैंने बताई, चाहे वो कंप्यूटर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे परचेजिंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट हो, ठीक है, तो इन सबके लिए जो है, अगर नए तरीके कंपनी में आते हैं तो वो नए तरीकों को जो है इम्प्लॉयज को सिखाया जाना चाहिए और सिखाया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। फिर लास्ट में आता है, जब भी प्रमोशन होता है या किसी का करियर ग्रोथ है या प्रमोशन के चांसेस जिसके बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब उस समय में ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी इम्प्लॉय को, ठीक है, जब वो किसी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने जा रहा होता है, क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया होता है, अच्छे हायर लेवल पे जा रहा होता है, तो उसको जो है, डिपेंडिंग कि वो किस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करेगा, उसके बेसिस पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों ट्रेनिंग जो है, मैंने चार इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग के बताएं आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कितने प्रकार की ट्रेनिंग एक्चुअली हो सकती है। दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग वो होती है जब आप किसी कंपनी में है और काम करते करते ही आप सीख रहे हैं, तो उसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। सेकंड है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग से आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो है कंपनी में नहीं होती, वो कंपनी से बाहर होती है, दूर होती है, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्फ्रेंसेस हो गए, सेमिनार्स हो गए, ठीक है, इन सबको जो है अटेंड करके जो आपको नॉलेज मिलता है और इसमें जो है कंपनी का पैसा भी अच्छा खासा लगता है, तो जब इन सबको अटेंड करके जो आप सीखते हैं उसको ऑफ जॉब ट्रेनिंग बोली जाती है। तो दो प्रकार के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। कंपनी जब इतना ज्यादा पैसा लगा रही है ट्रेनिंग में, तो उसका कुछ तो आउटपुट निकलना चाहिए ना, तो बेनिफिट्स क्या निकलते हैं ट्रेनिंग के, तो इस स्लाइड में हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहली चीज, इट इम्प्रूव्स मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। तो ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग हेल्प करता है किसी एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, और उसको हेल्प करता है कि हाँ भाई मेरी जॉब सिक्योरिटी बनी हुई है, क्योंकि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है, और मैं उसके ऊपर अच्छे से अपना काम खत्म करके टाइम पे दे रहा हूँ, तो मेरी जॉब सिक्योरिटी तो बनी हुई है, और जब सेटिस्फेक्शन अंदर आता है तो इससे क्या है, एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ता चला जाता है। द मोर सेटिस्फाइड द एम्प्लॉय इज एंड द ग्रेटर इज हिज मॉरल, द मोर ही विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड द लेसर विल बी एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि जितना ज्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा उसका मॉरल उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा उसका मॉरल बढ़ेगा उतना ज्यादा वो कंपनी के सक्सेस में जो है हिस्सेदार बनेगा, और वो एब्सेंट कम होगा, साथ में जो है टर्नओवर, कहने का मतलब है कि जो अब्सकॉन्ड हो जाते हैं एम्प्लॉय जो कि कंपनी छोड़ देते हैं, तो वो कम होंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ट्रेनिंग का। सेकंड है लेस सुपरविजन। एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो है वो अपने जॉब को लेके इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है, वेल एक्वेंटेड हो जाता है या वेल इक्विप्ड हो जाता है, तो उसको सुपरविजन की कम जरूरत पड़ती है। दस देयर विल बी लेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि जब सुपरविजन की जरूरत कम पड़ती है तो इससे क्या, टाइम और एफर्ट भी कम लगता है, और जो एक ह्यूमन रिसोर्स है जो कि सुपरवाइज करने में लगेगा, कोई पर्सन चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो टीम लीडर हो, वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक सेकेंड एडवांटेज होता है। दूसरा, फ्यू एक्सीडेंट एरर्स आर लाइकली टू अकर इफ एम्प्लॉय लैक्स नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द पर्टिकुलर जॉब। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एरर्स होने या होते ही हैं अगर एम्प्लॉय को किसी प्रकार की ट्रेनिंग और नॉलेज की कमी है तो, ठीक है। लेकिन जो एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय होता है जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है, इज आर लेस लाइकली टू कमिट एक्सीडेंट इन द जॉब, या फिर एरर जो होते हैं ना वो कम करते हैं, कारण क्योंकि वो अच्छे से ट्रेंड होते हैं अपने जॉब को लेके। फिर अगला आता है चांसेस ऑफ प्रमोशन। एम्प्लॉयज एक्वायर स्किल्स एंड एफिशिएंसी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके बेसिस पे वो स्किल्स और एफिशिएंसी जो है एक्वायर करते हैं और अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे उनका काम दिखना शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आगे चल के दे बिकम एन एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी उनको आगे फिर प्रमोट करने का सोचती है और ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने का सोचती है। फिर लास्ट में है ओवरऑल इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। तो ट्रेन्ड जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। जो भी ट्रेनिंग आप देते हैं कंपनी में एम्प्लॉय को, तो वो पूरी तरह से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है एक एम्प्लॉय की। अ वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय शोज बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक अच्छा ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो है क्वालिटी
क्वांटिटी और क्वालिटी परफॉर्मेंस दोनों दिखाता है एंड देर इज लेस वेस्टेज ऑफ टाइम मनी रिसोर्स इन द इफ एम्प्लॉय आर प्रॉपरली ट्रेन्ड। तो यहाँ पे वही बताया गया है जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर एक अच्छा ट्रेंड एम्प्लॉय है तो उसके पीछे जो टाइम का वेस्टेज है वो कम होता है, पैसा कम वेस्ट होता है और रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन रिसोर्स जो है जो एम्प्लॉय किए जाते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए वो भी कम लगते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेनिफिट्स थे दोस्तों, ये 5 बेनिफिट्स रहते हैं जिन कारण से ट्रेनिंग जो जरूरी हो जाती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और पता लगा होगा कि ट्रेनिंग क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और क्यों एक एम्प्लॉय को जो है ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी की तरफ से, किस कारण से जो है ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉय के लिए चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो उसको मिलनी जरूरी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ज्यादा मेरा एंथुसियाज्म और बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट लेके आता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी में क्या चल रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो मैं उन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।